Hi everyone, today we will discuss about On the Face of It, written by Susan Hill. ये स्टोरी शुरू होती है एक 12-13 साल के लड़के के साथ और इस लड़के का आधा फेस जला हुआ होता है और लोग इससे घिन करते हैं। छोटे बच्चे इसको देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। काफ़ी लोग इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं और तरह तरह के नाम से इसको पुकारते हैं। ये बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा अपसेट रखता है और बहुत ज़्यादा नफरत करता है अपने आप से कि मेरे पास तो कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं खेलूं, लोग मुझे देखकर घिन करते हैं, मेरे पास आने से घबराते हैं और कोई मेरे पास आता भी नहीं है। वो अपने बारे में बहुत बुरा बुरा सोचता है कि मेरी माँ भी मेरे से प्यार नहीं करती है और लोग भी मेरे साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं। तभी क्या होता है, जब वो ये सोच रहा होता है तो उसके आगे एक गार्डन दिखाई देता है जहाँ पे कोई उस गार्डन में नहीं है। तो वो उस गार्डन में जाता है तो देखता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, हर जगह पत्ते पत्ते फैले रहते हैं और कुछ फ्रूट्स भी नीचे गिरे हुए होते हैं, बहुत हवा चल रही होती है, मौसम बहुत अच्छा होता है उस टाइम। और वो अकेले उस गार्डन में घूमने लगता है और अपने बारे में सोचने लगता है। तभी क्या होता है, पीछे से एक बूढ़े अंकल की आवाज़ आती है, अरे तुम यहाँ और बताओ कैसे हो। तो वो बच्चा जब घूमता है बोलता है, घूम के बोलता है कि अरे आप यहाँ रहते हैं क्या, मुझे लगा कि यहाँ इस गार्डन में तो कोई रहता नहीं है, सुनसान है। तो वो बूढ़े अंकल बोलते हैं कि ये मेरा गार्डन है और हाँ मैं यहाँ पे रहता हूँ, और तुम यहाँ पे कैसे मतलब इस गार्डन में आ गए हो। तो वो बच्चा कहता है कि एक बात पूछूँ आपसे। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ पूछो। तो वो बच्चा कहता है आपको मेरे से घिन नहीं आ रही है या फिर आप मेरे ऊपर हमदर्दी जता रहे हो। तो वो बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। तो वो बच्चा बोलता है कि मेरा फेस का एक साइड जला हुआ है और लोग मेरे से घिन करते हैं और मेरे से मिलना पसंद नहीं करते, इवन मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। आप तो मेरे साथ बात कर रहे हो और आपको पता है मैं अपने आप को अच्छा नहीं समझता क्योंकि कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मेरे से बात नहीं करना चाहता, कोई मेरे से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता, लोग मुझे तरह तरह के नेम से पुकारते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अपने आप से बहुत नफरत करता हूँ। तो वो बूढ़े अंकल कहते हैं अरे तुम ऐसा मत बोलो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और मुझे तुम्हारे ऊपर कोई तरस वरस ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई हमदर्दी नहीं जता रहा हूँ, मैं तो तुमसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है मेरी ये जो टांग देख रहे हो ना, ये मेरी टांग टूटी हुई है और इसमें नकली टांग है, तो क्या मैं अपने आप से नफरत करूँ क्या? नहीं, क्योंकि इसमें मेरा भी कसूर नहीं है और इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं है, तो अपने आप को ऐसा मत बोलो। चलो अब से तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है, जब भी तुम्हारा मन करे तुम इस गार्डन में आ जा सकते हो, और वो देखो मेरा घर है वहाँ पे और हमेशा मेरे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। तो वो बच्चा बोलता है कि आपके दोस्त हैं क्या, आपके दोस्त आपसे घिन करते हैं? तो वो बोलते हैं नहीं, मेरे दोस्त बहुत हैं और मेरे घर आते जाते रहते हैं और मेरे से कोई भी घिन नहीं करता। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी है और मुझे आपसे फ्रेंडशिप भी नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ। और वो बूढ़े अंकल बोलते हैं अच्छा सुनो, तो तुम्हें ये पेड़ दिख रहा है, ये देखो एप्पल कितने अच्छे हैं ना, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी मदद करोगे इस एप्पल की जेली बनाने के लिए? तो लड़का बोलता है नहीं मैं जा रहा हूँ। वो लड़का बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करता है उस बूढ़े इंसान के साथ और वो लड़का बोलता है अब मैं जा रहा हूँ और मैं अब जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है और सच में मुझे सबसे नफरत है और मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता और सब बेकार इंसान होते हैं, आप भी मुझे पता है हमदर्दी दिखा रहे हो और मनी मन मुझे कोस रहे होगे, घिन कर रहे होगे, मुझे पता है आप मेरे ऊपर हमदर्दी जता रहे हो। तो वो बूढ़ा इंसान बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी हमदर्दी नहीं जता रहा हूँ और ऐसा नहीं बोला जाता और हमको किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, चाहे लोग तुम्हें भला बुरा कहें उसके बदले तुम उसके ऊपर भला बुरा मत बोलो, ठीक है वो तुम्हें भला बुरा कह रहे हैं, वो अपने को ही गंदा कर रहे हैं, अपने को ही गंदा बना रहे हैं, तुम क्यों भला बुरा कह के अपने आप को गंदा बना रहे हो, तुम तो अच्छे इंसान हो ना। तो बूढ़ा इंसान उस बच्चे को खूब समझाता है। फिर वो बच्चा बोलता है ठीक है अब मैं पक्का जा रहा हूँ अब, मेरा पता है लोग मेरे से कहते हैं तुम्हारा फेस जला है तो तुम अपने जिनका फेस जला हुआ होता है उनके साथ जाकर बातचीत किया करो, उनके साथ जाकर खेला करो। तो बूढ़े अंकल बोलते हैं अब एक बात बताओ, मेरी टांग टूटी है और ये मेरी नकली टांग लगी हुई है, तो मैं क्या जिनकी नकली टांगें लगी हुई हैं खाली उन्हीं से बात करूं इस पूरी दुनिया में, क्या उन्हीं के साथ अपने दिल की बातें करूं, उन्हीं के साथ ये एप्पल की जेली बनवाऊं? ऐसा तो नहीं होता,
पूरी दुनिया को एंजॉय करना चाहिए, पूरी दुनिया मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनसे मिलना जुलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। अगर कोई बुरा इंसान है, आपको बुरा कह रहा है, तो तुमको पलट के नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो वो बोल रहा है वो अपने आप ही को खराब कर रहा है। पर तुम तो खराब नहीं हो ना, तुम तो अच्छे हो ना। तो वो लड़का सुनता रहता है, फिर बोलता है ठीक है मैं आपसे मिलने आऊँगा, पर अभी मेरा टाइम हो गया है तो मैं जा रहा हूँ, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, पर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो वो जो बूढ़ा इंसान होता है ना, वो अपने मन में सोचता है कि मेरे जितने लोग यहाँ पे आए, जिनसे मेरी दोस्ती हुई, वो भी ऐसा बोल के गए थे, पर लौट के कोई नहीं आता है, ये भी नहीं आएगा। वो बच्चा वहाँ से चला जाता है, और जब वो अपने घर में जाता है तो अपनी मम्मी को बताता है, अपनी माँ को बताता है, माँ आपको पता है कि उस गार्डन में ना एक बूढ़े अंकल हैं और उनकी नकली टांग लगी हुई है, पर वो बिल्कुल दुनिया से बहुत अनोखे अंकल हैं, मतलब बहुत डिफरेंट है वो, और उन्होंने मेरे से दोस्ती करी और वो मेरे से घिन भी नहीं कर रहे थे, मतलब मैं उनसे रूड बिहेव कर रहा था पर वो मेरे से बहुत प्यार से बात कर रहे थे, और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई कि तुमको बुरा नहीं बोलना चाहिए, मतलब कोई अगर तुम्हें बुरा बोल रहा है तो उसके बदले बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो इंसान बुरा बोल रहा है वो अपने आप ही को गंदा साबित कर रहा है। तो मम्मी मैं तो जाऊंगा दोबारा, माँ मैं उनसे मिलने जाऊंगा, तो उसकी जो मम्मा होती हैं वो डांट देती हैं, बोलती हैं नहीं तुम नहीं जाओगी, पता नहीं कैसा वो बूढ़ा इंसान होगा तुम्हें मतलब बातों में अपना फंसा कर, तुम्हें अगर कुछ कर दिया तो नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे। उसकी मम्मी उस बच्चे को धमकी देती है, डराती है, डांटती है कि मत जाना मत जाना, पर वो बच्चा नहीं मानता। वो बच्चा एक दिन चला ही जाता है उससे बूढ़े अंकल से मिलने को। क्या होता है, जब वो मिलने के लिए जाता है तो वही अंकल पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं, और वो जाता है खुश होके जाता है वो बच्चा, और बोलता है कि देखा मैं आ गया आपसे मिलने। और जब वो अंकल को देखता है, वो ऐसे अंकल को टच करता है कंधे में, तो अंकल ऐसे गिर जाते हैं, आई मीन वो बैठे हुए होते हैं और वो लेट जाते हैं, तो पता चलता है कि अंकल की उस बूढ़े अंकल की डेथ हो चुकी है। तो यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।